सलमान जी, ये प्ले ग्राउंड का जो मामला है यहाँ पर बच्चों को दिया गया है, लेकिन ये भी काफी विवाद में चल रहा है। आप भी यहाँ पर आए, विजिट किए, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी थी। इसी ग्राउंड पे माजी मंत्री, गृह निर्माण मंत्री विजिट किया था और आप ही लोग ने भी उनको कवर भी किया था। उन्होंने यहाँ पे शायद आश्वासन दिया था कि ये जगह बच्चों के खेलने का मैदान के तौर पे दी जा रही है। मेरा एक सवाल है कि ठीक है, ज़मीन तो दी जा रही है, पहले ज़मीन की तफ्तीश भी तो होगी कि ये ज़मीन रिजर्वेशन है या नहीं है। अच्छा, किसी की प्राइवेट है या मित्तल वाले की है या आदिवासी ज़मीन है, पहले तो ज़मीन की तफ्तीश होगी। दूसरी चीज़ मैं आपके चैनल से ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपने कैमरे को ज़रा घुमाएं। आप एक ज़मीन पे प्ले ग्राउंड के लिए सबसे पहले नगर पालिका का परमिशन होना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक की मेरी जानकारी है, ये है आदिवासी ज़मीन। आदिवासी ज़मीन पे नगर पालिका के तरफ से जो परमिशन होता है वो अभी तक मिला नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे गटर जा रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पे टाटा पावर है। तो एज पर नॉर्म्स, जिस जगह पे टाटा पावर होता है वहाँ पे ना किसी तरीके का बांधकाम हो सकता है एज पर नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल अपना टाटा पावर का, ना वहाँ पे किसी तरीके के प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो मैं, ये सवाल है मेरा उन लोगों से जिन्होंने फिर से एक बार मुमरा शहर के नौजवानों को, बच्चों को लॉलीपॉप देने का काम किया। मैं आपको बताता चलूं, जहां पे टाटा पावर है आप देखें तार कितना नीचे है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, आप लोग जितने व्यूवर्स हैं आपका, आप दिखाइए कितना नीचे। कल को खुदा ना खास्ता खुद हादसा हो जाते हैं या बच्चों की जान चली जाती है, सिर्फ मुआवजे के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं बचेगा। तीसरी चीज, अगर ये जमीन आदिवासी की है तो आप देख सकते हैं इस पे ऑलरेडी भरनी का काम चालू है। अगर किसी की प्राइवेट जगह है तो उस जगह पे या तो उसने परमिशन दी होगी, लेकिन वो परमिशन दे नहीं सकता क्योंकि नगर पालिका ने इसको बोलते अलॉट किया हुआ है प्ले ग्राउंड के लिए। तो नगर पालिका का एनओसी, उसका एनओसी, उसके बाद ही इस जगह पे कोई भी काम हो सकता है। आप देख सकते हैं क्रेन पोक्रेन वगैरह चल रही है, लेवलिंग का काम, भरने का काम जोरों शोर से चालू है। मेरे को उनसे एतराज नहीं, जिस जगह के लिए मंत्री जी ने लोगों तक बात कही थी कि प्ले ग्राउंड, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक जो बातें हैं वो पब्लिक के दरमियान या पब्लिक के ऊपर ना चली जाए। नौजवान तो खेलेंगे, कल को खुदा ना खास्ता है जिसकी जमीन है उसने FIR कर दिया बच्चों पे, तो उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर अच्छा बताया यार, अभी भरनी होगी, ये नाला जो है उसके ऊपर कुछ काम होगा, तो आखिर भरनी होगी। अच्छा, ये अगर ठीक है भरनी होगी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि अगर भरनी हो रही है तो कहीं ना कहीं नगर पालिका इन्वॉल्व है। गटर बोलते आप पाटेंगे, मैंने ये भी सुना है कि गटर लेवल करने का, उस पर ब्लॉक्स बिठाने का काम चल रहा है, तो अगर नगर पालिका इलीगल एक्टिविटी के लिए भी पैसा देना चालू करी है क्या, या जब जब से महाराष्ट्र की सरकार चेंज हुई है तो नगर पंचायत या सरकार इलीगल एक्टिविटी के लिए पैसा देना चालू करी है, ऐसा मुझे लग रहा है शायद, तो इसके ऊपर भी FIR दाखिल होना चाहिए। मैंने तो ये यहाँ तक कि ये भी सुना है कि कई जगह पे कुछ छुपे हुए सत्ताधारी पार्टी के जो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते, छुपे हुए जो आज अपने आप को बिल्डर के रूप में सामने ला रहे हैं, कुछ मीटिंगें कर रहे हैं कोपचे में, या चूहा मीटिंग जिसको बोला जाए, कि वहाँ पे बात ऐसी भी हुई है कि जितने बच्चे हैं सब सब बच्चे पर पर्सन 1200-1200 रुपया दे ताकि भरनी जल्द से जल्द हो सके। तो मैं उनसे सवाल है कि जब नगर पालिका अलॉट कर रही है, जब माजी मंत्री, गृह निर्माण मंत्री तथा स्थानिक विधायक ये बोल दिया है कि ये जगह मुमरा शहर के नौजवान के प्ले ग्राउंड के तौर पे दी जा रही है, तो बच्चों से 1200-1200 रुपया किस बात पे लिया जा रहा है? अच्छा चलो 1200-1200 दे भी दिया आपको, उसके बाद जिसकी जमीन अगर वो FIR करता है तो क्या वो FIR वो बिल्डर लॉबी के जो मेन है मुख्य उन पे होगी, या जो 1200-1200 रुपया इस जगह के लिए, इस भरने के लिए दिया है उन लोगों पे होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही शहर के बच्चे अपने बेरोजगारी को लेकर परेशान है, फिर आपके चक्कर में FIR खा के फिर कोर्ट कचहरी धक्के खा के क्यों परेशान करना चाह रहे हैं आप शहर के लोगों को? पीछे टाटा पावर का वायर, टाटा सरकार के अंदर हमें आता है, टाटा पावर का एक ही अपना ये गिरता है, हादसा होता है। टाटा पावर जो है वो स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, वो सेंट्रल प्रोजेक्ट है। आपको सेंट्रल से जाके
लेके आनी पड़ेगी परमिशन। पहले तो परमिशन मिलेगी नहीं क्योंकि टाटा पावर यहाँ से हटेगा नहीं। अच्छा जब हटेगा नहीं तो एनओसी मिलेगी नहीं। अच्छा जब एनओसी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं बना सकते। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इलेक्शंस नजदीक है, मेरे ख्याल से खुद एक लॉलीपॉप भी हो सकता है। तो इसके ऊपर कुछ भी बात करने से पहले भैया मैंने आपको एक चीज बोला है, मैंने एक चीज बोला है, जो ये काम करवा रहा है, जो ये काम करवा रहा है ये वो खुद एक बिल्डर लॉबी से ताल्लुक रखता है। मैं ये समझता हूँ कि आज बच्चे लोगों को या बच्चे लोगों का सहारा लेके या उनका सपोर्ट लेके आज भरनी भी हो जाएगी, बच्चे खेलेंगे भी, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पे भी कुछ नया वैली हो सकता है, तैयार हो सकता है नया वैली। बिल्डर को फायदा होगा, बिल्कुल होगा ना। अच्छा अगर बिल्डर को फायदा नहीं होता तो नेता लेता मीटिंग, बिल्डर क्यों बुलाया अपने इधर। अगर पब्लिक की बात है और नगर पालिका गवर्नमेंट और पालिका इन्वॉल्व है इस मैटर में तो फिर बिल्डर क्यों लेता अपने ताबे में, कहीं और होती मीटिंग। सभी शहर जमीन पर भी नजर है, नजर है। आप देखें बोर्ड पे लिखा है ना सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 बराबर 68, 69 सर्वे नंबर दिख रहे। तो ये इतनी बड़ी जो जमीन है ये पूरा सर्वे इस पे थोड़ी ना कवर हुआ है। आप देखें बाजू में भी प्रोजेक्ट चालू है, दिखाए उसको, वो चालू है, एमएम वैली है। तो मेरे ख्याल से ये जितने 5-6 सर्वे नंबर बता रहे ना एतराफ के भी आ सकता है जिसमें प्रोजेक्ट चालू है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो हमारी वर्किंग चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में बिल्कुल लोगों के साथ है और जितने रिजर्वेशन इससे पहले लोगों ने खाए हैं और जितने रिजर्वेशन पे लोगों ने बिल्डिंगें बनाई इलीगल उसको तोड़वाने का काम, और जो रिजर्वेशन था चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे प्लेग्राउंड हो चाहे गार्डन उसको दिलाने का काम कांग्रेस आने वाले वक्त में करेगी। कैसे करेगी हम लोग बिना कोर्ट गए तो ये मामला हल हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो फिर आखिरी ऑप्शन कोर्ट ही है ना। अरे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंत्री महाराष्ट्र के, इससे पहले जो सरकार थी जयंत अपने महाविकास आघाड़ी में जो होम मिनिस्टर थे राष्ट्रवादी के, वो भी जेल गए ना, गए कि नहीं गए, उनका भी कैसे कोर्ट से चल रहा है मामला। अगर कोर्ट उनको इंसाफ देगा, अगर वो सच्चे होंगे तो बाहर आ जाएंगे, नहीं होंगे तो अंदर ही रहेंगे। इसी तरीके से हम लोग भी जो खिलाड़ी है उसे भी 12-1200 रुपए लेने की बात है, यानी कहीं ना मिला जुला के कुल जो बुमराह के बच्चे हैं इनका भविष्य अंधकार में रखा जा रहा है, रखा जा रहा है। बहरहाल वो बच्चे समझदार हैं, मैं तो आपके चैनल से खाली आगाह कर रहा हूँ, आने वाले वक्त की परेशानियों से बेहतर है कि पहले परेशानियों का सामना करें, चीजों को समझें, उसके बाद कोई फैसला लें।